हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप. देयर इज अनदर टाइप दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप. फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर. आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7, जो कि इस तरह की फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है. वर्कशीट नंबर 7. इस वर्कशीट में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, राइट? सो वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33. एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33. ये क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले कोफिशिएंट का मीनिंग समझना है. जैसे मैंने यहां पर लिखा 2x. अब मेरा क्वेश्चन है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए 2. अगर मैंने यहां पर 5y² लिखा और मैंने पूछा यहां y² का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5. अगर मैंने सिर्फ x² लिखा और मैंने पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है, मींस x² को क्या चीज मल्टीप्लाई कर रही है, तो आपने बोलना है 1, क्योंकि x² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into x square. सो बिफोर वी स्टार्ट दीज क्वेश्चंस, यू शुड बी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट. COEFFICIENT, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मींस द नंबर विच मल्टीप्लाइज द अदर नंबर. अब इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1. क्या आंसर होना चाहिए? 1. अब कांस्टेंट टर्म क्या है? 33. तो आपने क्या करना है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है 33, इसको मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ. तो 1 into 33, x² का कोफिशिएंट जो 1 था, उसको कांस्टेंट टर्म 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 33. अब 33 के आप कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 33 आए, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 14 आए. और 14 किसका कोफिशिएंट है? एक्स का. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने आपको बोला कि आप 28 के कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पर 3 आए. तो आप बोलोगे कि सर 7 into 4 is 28 एंड 7 minus 4 is 3, राइट? तो इसी तरह से आपने 33 के कोई दो फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 33 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आए. तो कौन से वो दो नंबर होंगे? 11 multiplied 3. तो आपने क्या करना है, x² प्लस, मैंने बोला मल्टीप्लाई करें तो 33 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आए. तो अब आपने स्मॉल ब्रैकेट में 14 की जगह लिख देना है 11 plus 3, और ब्रैकेट क्लोज करके x को वैसे ही लिखना है प्लस 33. अब नेक्स्ट लाइन में x² प्लस, ये जो 11 है वो x को मल्टीप्लाई करेगा, यहां आएगा 11x प्लस 3 विल मल्टीप्लाई x, तो आएगा 3x प्लस 33. x² प्लस 11x प्लस 3x इक्वल टू 33. अब इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन निकालेंगे. अब आप देख सकते हो
एक्स स्क्वायर और 11x में x कॉमन आ सकता है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर को x डिवाइड करेगा तो x आएगा, प्लस 11x को अगर x डिवाइड करेगा तो 11 आएगा। सो इट हैज बिकम x इंटू एक्स प्लस 11। अगली जो दो टर्म्स हैं इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x इधर है इधर है नहीं। 3 और 33 में जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF है वो है +3, तो आप बोलेंगे कि इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है। ब्रैकेट 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x, प्लस 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x प्लस 11 यहां भी है यहां भी है, इसको तो एक बार ले लेंगे और एक बार एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लेंगे, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 11, ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 6, राइट। सो कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वेयर इज व्हाट, व्हाट इज द कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वेयर? 1। क्यों? क्योंकि मैंने वाई स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू वाई स्क्वेयर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वाई स्क्वेयर का कॉफिशियंट क्या है तो आपने क्या बोलना है, 1। और फिर पूछा जाए इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो कॉन्स्टेंट टर्म आपने बिना साइन के बतानी है, तो आप बोलोगे 6। तो 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6। ये 6 कहां से आया, ये 1 कहां से आया, वाई स्क्वेयर का कॉफिशियंट। तो 6 इंटू 1 बना 6। अब आपने कोई दो नंबर्स ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस या माइनस करें तो y का कॉफिशियंट यानी 1 आए। तो सोचो कौन से नंबर होंगे वो, जैसे 6 कोई दो ऐसे फैक्टर्स 6 के, यानी कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और अगर उन नंबरों को प्लस या माइनस करें तो y का कॉफिशियंट 1 बने, तो कौन से नंबर होंगे वो, 3 मल्टीप्लाइड 2 इट इज इक्वल टू 6, और अगर आप 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 1। तो आप यहां लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस स्मॉल ब्रैकेट, जो y का कॉफिशियंट 1 है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 ब्रैकेट में आउटसाइड y माइनस 6। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वाई स्क्वेयर याद रखना है बाहर माइनस है, ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बनेगा -3y, माइनस और माइनस प्रोडक्ट में बन गए प्लस, 2 इंटू y बना 2y, वाई स्क्वेयर -3y प्लस 2y माइनस 6। इन दो में और इन दो में कुछ कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वेयर और 3y में कॉमन क्या आएगा, y, और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में, वाई स्क्वेयर को y से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, माइनस 3y को y से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इन दो में प्लस 2y माइनस 6 में क्या कॉमन आएगा, y इधर है इधर नहीं है, तो 2 और 6 का जो HCF है, या यू कैन से कि 2 और 6 में क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे 2। 2y को 2 से डिवाइड करें तो y, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3। अब आप देखो y माइनस 3 इधर भी है इधर भी है, एक बार लिखेंगे तो एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस 2 और दूसरी बार ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 3, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फैक्टराइज करना है आपने, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 72। तो आप यहां ऑब्जर्व करो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशियंट क्या है, 1, कांस्टेंट टर्म क्या है, 72। तो आप 1 इंटू 72 करते हो तो क्या आता है आपके पास, 72। 72 के कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 72 आए,
और प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर एक्स का कॉफिशियंट यानी वन आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 72 आएगा और उनको अगर हम माइनस करें या प्लस करें तो एक्स का कॉफिशियंट वन बनेगा। देखो अगर आप सोचते हो 12 6 72 तो गलत है, क्योंकि 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। फिर मान लो आप कोई भी और फैक्टर 36 into 2 सोचते हो तो 36 minus 2 कभी भी 1 नहीं होता। तो आपने लिखनी है 9 multiplied 8 होता है 72, और अगर मैं 9 में से 8 माइनस करूं तो क्या आएगा 1। तो स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कॉफिशियंट यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, तो उसमें ब्रैकेट में आपने 9 minus 8 लिख देना उस 1 के लिए, और x तो x ही रहेगा -72। अब आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 into x बना 9x, प्लस इंटू माइनस बनेगा -8 into x बना 8x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x -8x -72। अब पहले दो में और नेक्स्ट दो में जो कॉमन निकलेगा वो निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 9x में कॉमन आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर को अगर आप x से डिवाइड करते हो तो x आता है, प्लस 9x को अगर x से डिवाइड करते हो तो प्लस 9 आया। अब अगले दो नंबर है -8x -72, तो अगर आप 8 और 72 का HCF निकालो तो 8 ही आता है, तो माइनस साइन लगेगा, तो आप बोलोगे -8 कॉमन आएगा और अंदर क्या रहेगा 8x को 8 से डिवाइड करें तो x आता है, और ये माइनस है ना तो बाहर ऑलरेडी माइनस लगी हुई है, तो ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। 72 को 8 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 आएगा और दूसरी ब्रैकेट में एक्स प्लस 9 आएगा, जो कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। तो इसका आंसर है एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 9, राइट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। अब आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 27, तो 1 into 27 बना 27। तो ये सोचो कौन से दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 27 देंगे, और उन्हीं नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो 12 बनेगा। तो वो नंबर सोचो, जैसे 27 आपके माइंड में क्या आ रहा है इस वक्त कि 27 क्या हो सकता है, जैसे आप सोचते हो 3 9s are 27, तो ये तो बिल्कुल सही है, 9 into 3 27, और अगर हम इनको ऐड करें 9 plus 3 को तो आपके पास ये x का कॉफिशियंट आ जाता है यानी 12। तो अब आपने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट के बीच में 9 plus 3, ये 9 plus 3 आपने किसकी जगह लिखा है 12 की जगह, और x तो वही रहेगा x प्लस 27। अब आप इस ब्रैकेट्स को ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 into x is 9x प्लस 3 into x is 3x प्लस 27, राइट। अब पहली दो टर्म्स में x कॉमन आएगा। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, जैसे आप ऊपर सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रही हो, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस 9x को x से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा इन दो टर्म्स में, कॉमन ले चुके इन दो टर्म्स में। अब देखो क्या कॉमन आएगा, प्लस 3, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे x, प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 9। सो इन वन ब्रैकेट x प्लस 3, इन अदर ब्रैकेट x प्लस 9। सो इट वॉज ऑल्सो लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5,
वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 132। तो इसमें वाई स्क्वेयर का कॉफिशियंट क्या है 1, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 132। अगर 1 को 132 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। अब आपने सोचना है कि 132 के कोई दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 132 आए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर y का कोफिशियंट 1 आए। अगर आपके माइंड में डायरेक्ट नहीं आते तो आप क्या करो, रफ वर्क में इसकी फैक्टराइजेशन करो। 2 6s are 12, 1 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड दिस इज 11। अब चेक करना आपके पास 2 2 3 और 11 आए, राइट। अब आप देखो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 और 11, अगर आप 12 और 11 को मल्टीप्लाई करो तो 132 आता है, और अगर इनको माइनस करो तो y का कोफिशियंट 1 आएगा। तो ये बनेगा y स्क्वेयर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 12 माइनस 11 आउटसाइड y माइनस 132, इट इज इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस 12 इंटू वाई 12y माइनस 11 इंटू वाई 11y माइनस 132। अब पहली दो टर्म्स में और नेक्स्ट टू टर्म्स में देखो क्या कॉमन आता है। पहली दो टर्म्स में y कॉमन आएगा, y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y इज y प्लस 12y डिवाइडेड बाय y इज 12, सो इट हैज बिकम y इंटू वाई प्लस 12। अगली दो टर्म्स में माइनस 11 कॉमन आएगा, ये साइन आपने जरूर लिखना है जो भी साथ में लगा है, इंटू 11y को 11 से डिवाइड करें तो y आता है, और ये वाला माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है। 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो एक ब्रैकेट में आपके पास y माइनस 11 आ गया और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास y प्लस 12 आएगा, जो कि दोनों में सेम है, राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, x स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 30, 1 इंटू 30 बना 30। 30 के कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और ऐड करने पर 11 आए। अब अगर आप सोचते हो 10 इंटू 3 तो वो गलत हो जाएगा, तो वो होगा 6 इंटू 5, ये 30 बनाते हैं और अगर इनको प्लस करें तो 11 बनेगा। तो ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 30, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इंटू एक्स बना 6x प्लस 5x प्लस 30। पहली दो और लास्ट दो टर्म्स में देखो क्या कॉमन आता है। पहली दो टर्म्स में x कॉमन, इनसाइड विल कम x प्लस 6, क्योंकि एक्स स्क्वेयर को x से डिवाइड करोगे तो x आएगा, प्लस का प्लस 6x को x से करोगे तो 6, प्लस नेक्स्ट दो टर्म्स में 5 कॉमन, इनसाइड 5x डिवाइडेड बाय 5 इज x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, सो इट इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट x प्लस 5 एंड इन अदर ब्रैकेट x प्लस 6। द नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ इज x स्क्वेयर माइनस 11x minus 42. So here the coefficient of x square is 1 and the constant term is 42. So 1 into 42 bana 42. कौन से दो numbers को multiply करें तो 42 आएगा, और अगर उनको plus minus करें तो 11 आएगा। तो इसकी भी आपको ना पता चले तो factorization कर सकते हो, ये होंगे 14 multiplied 3. 42 और 14 में से अगर 3 माइनस करें तो 11 बनता है, जो कि x का कोफिशियंट है।
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 42। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स इज 14x, बाहर माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस 3x माइनस 42। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। अब इन पहली दो और लास्ट दो टर्म्स में देखो क्या कॉमन आता है। पहले आएगा x कॉमन, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया x माइनस 14x को x से किया तो 14, तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 14। अगली दो टर्म्स में प्लस 3 कॉमन, 3x डिवाइडेड बाय 3 इज x माइनस 42 डिवाइडेड बाय 3 इज 14, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 और दूसरी में आएगा x माइनस 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 27। तो आप देखो इसमें z स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 27, तो ये बना 27। दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 27 बने और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 बने, 9 3s are। तो z स्क्वायर माइनस इन द स्मॉल ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ 12 वी विल राइट 9 + 3 इंटू जेड प्लस 27, सो इट इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 9z प्लस एंड माइनस माइनस 3z प्लस 27, z स्क्वायर माइनस 9z माइनस 3z प्लस 27। अब पहली दो टर्म्स में और लास्ट दो टर्म्स में कॉमन आएगा, पहले z कॉमन तो अंदर क्या आ गया z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज z माइनस 9z डिवाइडेड बाय z इज 9। अगली दो टर्म्स में माइनस 3 कॉमन, इनसाइड 3z डिवाइडेड बाय 3z, आउटसाइड इज माइनस, तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करो 9 आएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया z माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा z माइनस 9। अब नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6। तो पी स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 1 × 6 = 6। तो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर 6 बनाए, प्लस माइनस करने पर 5 बनाए। तो यहाँ पर जनरली बच्चे आंसर करते हैं 3 × 2 = 6 एंड 3 + 2 = 5। उससे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बोलेंगे 6 × 1 आएगा 6 और 6 - 1 आएगा 5। ये इससे होगा, अगर आप 3 और 2 से करोगे तो ये सही नहीं आएगा। तो इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5 के प्लेस के ऊपर 6 - 1 ब्रैकेट में आउटसाइड पी माइनस 6, सो इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6 × p बना 6p, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, 1 × p बना पी माइनस 6, यानी पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस पी माइनस 6। अब पहली दो टर्म्स में और अगली दो टर्म्स में, अब ध्यान से देखना है, पी स्क्वायर और 6p में तो आ गया p कॉमन, तो अंदर क्या आएगा पी स्क्वायर अपॉन पी इज पी माइनस 6p डिवाइडेड बाय पी इज 6। अब अगली दो टर्म्स में सिर्फ पी माइनस 6 है, तो इन दो में क्या कॉमन आएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा और अंदर आएगा पी माइनस 6। जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो प्लस 1 आता है,
सो p माइनस सिक्स, तो एक ब्रैकेट में आएगा p प्लस वन इंटू पी माइनस सिक्स। और टेंथ क्वेश्चन इस वीडियो में मैं टेंथ क्वेश्चन तक करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अगले सिक्स क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा। टेंथ क्वेश्चन है पी स्क्वेयर प्लस पी माइनस 56। तो आप ऑब्जर्व करो पी स्क्वेयर का कॉफिशियंट क्या है, वन, कांस्टेंट टर्म क्या है 56, तो वन इंटू 56 इज इक्वल टू 56। 56 के कोई दो फैक्टर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 56 आए, प्लस या माइनस करने पर पी का कॉफिशियंट वन आए, तो वो दो नंबर्स हैं 8 और 7। 8 इंटू 7 56 आता है, और 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आता है। इट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7 इंटू पी माइनस 56। सो इट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 8 पी माइनस 7 पी माइनस 56। पहली दो टर्म्स में p कॉमन, अंदर क्या आएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इज p, प्लस 8p डिवाइडेड बाय p इज 8। और अगली दो टर्म्स में माइनस 7, 7p को 7 से डिवाइड करो, p बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस बन जाएगी, 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8। तो एक ब्रैकेट में आ गया p माइनस 7 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा p प्लस 8। तो ये थे 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन द इजीएस्ट वे। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड? राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, एंड इफ यू थिंक द चैट दिस चैनल कैन बी हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स, शेयर द लिंक ऑफ द चैनल विद अदर्स एंड गेट इट सब्सक्राइब्ड। Thank you.